अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख सकेंगे कि हम ड्रायर की मोटर को कैसे चेक करते हैं। तो जी तो दोस्तों, ये मोटर के वायर्स की तीन तारें हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। एक इसमें ब्लैक है, एक रेड है और एक हाफ वाइट है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास आम तौर पर तो ये होता है कि इसमें जो रेड वायर है ये हमारे पास कॉमन होती है, और ये ब्लैक और हाफ वाइट जो है ये हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसमें काम हो रहा है या नहीं। हमारी मतलब ये जो तीन तारें हैं ये वाइंडिंग से कनेक्टेड हैं या नहीं। अगर बीच में से कहीं से टूट गई हों या काम ना कर रही हों तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी तार जो है ना, या हमारी मोटर, दोनों में से कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं। इनको मैंने साफ कर दिया है, ये देखें। साथ साथ आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारे पास बोर्ड है जिसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, इसमें सीरीज बोर्ड भी है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो वायर्स हैं ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सीरीज बोर्ड की मदद से हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये तीन वायर्स हैं, हम इसको चेक करेंगे ये आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब ये कि हमारा ये जो वायर्स हैं ये ठीक हैं, मोटर की वाइंडिंग से कनेक्टेड हैं। जैसे ये लाइट हमारे पास तीनों वायर्स के ऊपर ऑन होती है, तो इसका मतलब है कि ये तार भी वाइंडिंग से कनेक्टेड है, साथ में ये तार भी वाइंडिंग से कनेक्टेड है। और हम इसको कैपेसिटर लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। तो अभी हम इसके साथ एक अदद कैपेसिटर लगाएंगे। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर अब हमने कहाँ कहाँ पर लगाना है। ये रेड वायर मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, ये हमारे पास कॉमन है, ये भी कैपेसिटर की है और ये भी कैपेसिटर की है। तो कॉमन को छोड़ के बाकी ये जो दो वायर्स हैं इनके साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह मैं आपको ड्रायर के कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि ड्रायर में हम कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ये कैपेसिटर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, अभी मैं इसके साथ ये दो तारें लगाऊंगा जो कि बिजली से डायरेक्ट आती हैं। तो इसको हमने कहाँ कहाँ पर लगाना है, तो एक तो हमने लगाना है कॉमन के साथ, एक वायर हमने कॉमन के साथ कनेक्ट कर देनी है। और एक वायर जो है ना, इसमें से कैपेसिटर की वायरिंग में से किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर लें।
ये मैंने कनेक्ट कर दिए हैं और अभी मैं इसका स्विच लगाने लगा हूँ। देखते हैं कि चल रही है कि नहीं। तो ये हमारी मोटर चल तो नहीं रही, तो मतलब है इसमें इसके अलावा कोई और फॉल्ट है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये ड्रायर है, इसका टॉप है, ये सुपर एशिया की ड्रायर है, मॉडल इसका है SD555, सुपर एशिया की ये ड्रायर है। जी तो दोस्तों ये ग्रीस है, इसकी शाफ्ट जो है थोड़ी सख्त हो गई है, तो इस पर मैं अभी ग्रीस लगाऊंगा। इस वजह से ये मोटर नहीं चल रही थी। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये ड्रायर स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसकी शाफ्ट पे ग्रीस लगाया अंदर से मोटर के साथ जो लगी हुई है, और ये स्टार्ट हो गई है, काम करना इसने शुरू कर दिया है। और इसके बाद हम इसके पूरे कनेक्शन करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा इसके पूरे कनेक्शन करना भी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।